हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रद्युम्न। आज मैं आपको बताऊंगा कि IDS में NC KOT कैसे पंच करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ओपन आउटलेट करना है। ऑलरेडी ओपन है, ऑर्डर एंट्री में जाएंगे हम। हमने कोई भी आउटलेट सेलेक्ट कर लिया अपना, इन रूम मिनी अर्बन डेक जो भी वॉट एवर, शिफ्ट ओपन करेंगे। उसके बाद हमें जाना है एनसी क्योटी के लिए, स्टैंडर्ड एनसी क्योटी। उसके बाद हम किसका एनसी करना है, तो उसका डायरेक्टर सेलेक्ट, डायरेक्टर का एफ एंड डिपार्टमेंट का है, उसका गेस्ट का नेम देंगे, लाइक कुछ भी नेम दे देंगे। तो हम उसके बाद हम टेबल नंबर सेलेक्ट करेंगे, ऐप बंद करके प्रेस करके कवर करते हैं। के बाद हमने लाइक कुछ भी कर लिया, मुर्ग तंदूरी हाफ लिया, फुल लिया, एक पीस लिया। अब हमें किसी दूसरे आउटलेट से उठाना है, लाइक हमारे इस आउटलेट में कोई भी ऑर्डर नहीं है, तो हम एफ शिफ्ट के साथ F11 प्रेस कर सकते हैं, आउटलेट चेंज करके दूसरे आइटम का भी मीन उठा सकते हैं। लाइक सैंडविच हमने लिया, साल्ट एंड पेपर हमने ले लिया, इससे इसको हम सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारी एनसी क्योटी सेव हो गई। उसके बाद होता है हमारा क्योटी कैसे पंच करना है, तो सेम वही है, लाइक हमने कोई भी टेबल सेलेक्ट कर ली, कवर कितने हैं, दो हैं, कुछ भी लेते हैं। लाइक सॉफ्ट ड्रिंक हमने ले ली, कोक ले लिया, एक ले लिया, तो हम सेव करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता रहता है हमारा बिल कैसे प्रिंट करना है, तो हम बिल पे जाएंगे, बिल टेबल सेलेक्ट करेंगे। हमें लाइक किसी गेस्ट की GST इन्फॉर्मेशन देंगे, तो हम बिल वैल्यू पे प्रिंट करेंगे। यहाँ पे उसका नाम, एड्रेस, GST वैल्यू दे सकते हैं, स्टेट सेलेक्ट करके GST नंबर दे सकते हैं अगर आपका रिक्वायर्ड है गेस्ट को। तो उसके बाद यहाँ पे आएंगे प्रिंट बिल, तो हम बिल को प्रिंट कर लेंगे। उसके बाद आता है हमारा सेटलमेंट, तो हम सेटलमेंट पे क्लिक करेंगे, बिल पे जाएंगे, ब्राउज करेंगे, पेंडिंग बिल 452 रुपए का शो कर रहा है। उसके बाद आता है हमारा ऑप्शन किसमें चेंज करना है, प्लान में, क्रेडिट कार्ड से किसको सेटलमेंट करना है, तो हमें जो भी जो सेटलमेंट मोड है, कैश में सेटलमेंट करना है तो कैश में कर सकते हैं। लाइक हमें कंपनी में सेटलमेंट करना है तो हम कंपनी में जाके सेटलमेंट कर सकते हैं, कंपनी में सेटलमेंट करना है तो हम कंपनी में जाके सेटलमेंट कर सकते हैं, ब्राउज करके कंपनी को सिलेक्ट करके टैग करके। अगर कैश में सेटल करना है तो कैश में सेटल कर सकते हैं। जो भी ऑप्शन हमें रिक्वायर्ड सेव कर देंगे तो हमारे ये बिल। थैंक्स फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर।